फ्रेग्रेंसेस भी, और ये एक खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस मेरे हाथ में भी मौजूद है और आप स्क्रीन पर भी इसे देख पा रहे हैं, बट आप देखिए कि कितनी खूबसूरत है। इसकी बॉटल भी बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खुशबू भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसकी खुशबू कैसी है। ऑब्वियसली तो इसकी खुशबू ऐसी है कि ये बहुत ही सूदिंग खुशबू है और इसके साथ ये कुछ फ्लोरल और पाउडरी सी खुशबू है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि इसके वाइट मस्क जो है ये बेसिकली पाउडरी आपको अरोमा देता है, फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है, और इसी तरह जो लिली ऑफ वैलीज है और वाइट फ्लावर्स है इनकी बड़ी ही डेलिकेट सी फ्लोरल खुशबू है। सो इन तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये जबरदस्त सी फ्रेग्रेंस ईडीटी बनाई गई है। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ईडीटी की लास्टिंग आप सभी लोग जानते हैं कि 6 आवर्स, 4 to 6 आवर्स और इससे ज्यादा भी लास्ट करती है। तो ये एक जबरदस्ती खुशबू है। अगर आपको पसंद है फ्लोरल एंड पाउडरी खुशबू तो दिस इज द वन। और इस फ्रेग्रेंस को जो बेसिकली क्रिएट किया गया, इसके पीछे बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो ये इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप देखते हैं कि ओरिफ्लेम की तमाम तरह प्रोडक्ट नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्कैंडिनेविया की ब्यूटी है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, इसीलिए जो फॉरेस्ट यानी कि ये जो फ्लावर्स की बात की ये भी खास स्कैंडिनेविया खूबसूरती के साथ ही एडेड होते हैं, और वहीं से उन फ्लावर्स को लेके ये जबरदस्ती खूबसूरत सी खुशबू बनाई है। एंड दिस इज गुड फॉर योर डे टाइम, डे टाइम में लगाने के लिए आपके लिए बेस्ट परफ्यूम है। और पर्सनली आई एनकाउंटर इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है डे टाइम की होने के बावजूद, और द डे जिस दिन मैंने इसको वेयर किया नेक्स्ट डे भी, आई बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका आना जाना कैसा है, बट यस आई एक्सपीरियंस कि नेक्स्ट डे भी ये फ्रेग्रेंस मेरे साथ स्टे कर रही थी।